बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत एएसएम आरू लगाओ पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन एसी पर फ्री गिफ्ट 10% कैश बैक 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। कल का हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि राष्ट्रभक्ति के गीतों के द्वारा देश प्रेम से ओतप्रोत गीतों के द्वारा हम जनता में एक जागृति लाना चाहते हैं कि भाजपा सरकार ने जो संकीर्ण नीति अपनाई है जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, हम उन राष्ट्रीय गीतों के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि पूरा भारत एक है, हमारा देश अनंत काल से एक रहा है। ये विभिन्न धर्मों का एक गुलदस्ता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और न जाने कितने धर्म स्वयं भारत भूमि पर उत्पन्न हुए हैं। और ये जो जात पात की 36 बिरादरी, 35 बिरादरी और एक बिरादरी की बात की जाती है, उसे हम इन राष्ट्रभक्ति के गीतों के द्वारा दूर करना चाहते हैं। और कृष्ण अग्रवाल जी जो हमारे संयुक्त उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के और जननायक जनता पार्टी के, उसके प्रचार प्रसार हेतु हम ये कहना चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छा स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक और सैनिकों का सम्मान 1 करोड़ रुपये, किसानों के लिए मुआवजा, किसानों के लिए विशेष सुविधाएं, व्यापार का सरलीकरण, जितने भी ये मुद्दे हैं हमारे, पानी बिजली सस्ता हो, किस प्रकार से दिल्ली के कार्यों को हरियाणा में लेकर आ सकते हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे हमारे माननीय संजय सिंह जी, सांसद हैं, और हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे माननीय श्री सतवीर कादयान जी, पूर्व स्पीकर हैं, और हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि होंगे माननीय सुशील गुप्ता जी और नरेंद्र सांगवान जी। गायक इसमें हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय एक तरह से हमारे प्रचारक भी हैं, और केडी सिंह जी होंगे, और दूसरे जो हमारे बच्चे होंगे वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो हमारी पार्टी के सांस्कृतिक विभाग को देखते हैं, उनके द्वारा गीतों की प्रस्तुति की जाएगी। प्रचार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि हमारी पार्टी एक आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी की पार्टी है। हमारा प्रत्येक किसान का, मजदूर का, काश्तकार का, गांव का, गली का, कॉलोनी का, हमारे टोटल के टोटल कार्यकर्ता, दोनों पार्टी, जेजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी, कार्यकर्ता इतना मजबूत है, वो प्रत्येक गली गली तक जा रहा है और लोगों से हमारे को बहुत उम्मीदें हैं और लोग हमारी पार्टी से दिन प्रतिदिन, मैं तो कहता हूँ घंटों के हिसाब से नहीं, सेकंडों के हिसाब से हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और हमारा कल का कार्यक्रम, हमारे पार्टी के ही कार्यकर्ता यहाँ पे आ रहे हैं, हम बीजेपी पार्टी की तरह नहीं। मोदी जी कहते हैं कि 5 साल में हमने सबका विकास किया है, तो उनको सनी देओल जी के लाने की क्या जरूरत है? अगर मोदी जी ने विकास किया तो जयप्रदा के लाने की क्या जरूरत है? अगर मोदी जी ने विकास किया तो क्रिकेट के लाने की क्या जरूरत है? एक हमारी एक ऐसी पार्टी है जो अच्छी देशभक्त पार्टी है, जो हमारे बीच के नुमाइंदे का यानी कि आम आदमी को टिकट देती है और आम आदमी की लड़ाई लड़ती है। जैसे दिल्ली, गुजरात मॉडल तो देश में चला नहीं, अब दिल्ली मॉडल की बारी है, दिल्ली मॉडल देश में चलेगा और आने वाली हमारी सरकार होगी। हमारे कार्यकर्ता आप पार्टी के कैंडिडेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव-गांव, गली-गली जाकर प्रचार कर रहे हैं और आज 20 गांव का प्रोग्राम है, हमारे को बहुत भारी जन समर्थन मिल रहा है।